नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये जो किट देख रहे हैं ये 14 इंच सीआरटी टीवी का चाइनीज किट है और ये डेड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर किट में देख सकते हैं यहाँ पर एसी 220 वोल्ट इन होता है। तो यहाँ पे बल्ब का सीरीज से हमें चेक करना होगा। तो बल्ब का सीरीज इसलिए यूज कर। हेलो भैया। हाँ बोलिए। हमें भी काम पे रखिएगा। आप क्या करते हैं? भैया मैं टीवी मोबाइल कंप्यूटर रिपेयर कर लेता हूँ। यार आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप काम के लिए मेरे पास आए हैं। जाइए अपना मोबाइल के प्ले स्टोर में और इथिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और लग जाइए काम पे। इथिंग ऐप? इथिंग ऐप से कैसे? यदि आपके पास किसी भी तरह का हुनर हो जैसे टीवी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, या आप कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, या किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस हो, या आप डांस टीचर हो, या किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इथिंग ऐप को डाउनलोड करें, उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर, अपना एरिया को सेलेक्ट करें और अपना क्या काम करते हो अपना स्किल को इंटर करें और उसमें फ्री में अकाउंट बना ले। इसके बाद में क्या होगा, यदि आपके एरिया में किसी को भी आपके सर्विस से जुड़ी किसी भी तरह का जरूरत होगी तो वो सीधा आपको कांटेक्ट करेगा और आपको फ्री में रोजगार मिल जाएगा। तो इथिंग ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है भैया, मैं अभी इथिंग ऐप डाउनलोड करता हूँ। और हाँ, आप लोग भी जो भी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इथिंग ऐप को डाउनलोड कर ले। ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं भी इसे यूज करता हूँ। क्योंकि पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन में यदि डायोड वगैरह शॉर्ट रहेगा तो हमारा बोर्ड का फ्यूज जो है जला देगा। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज बल्ब से यहाँ चेक करना होता है। तो चलिए यहाँ सीरीज बल्ब से चेक कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि बल्ब जो हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। और ग्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन में कोई तरह का शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें लाइन दे करके देख लेते हैं इसका वोल्टेज को चेक करके कि कहाँ से क्या दिक्कत है। तो दोस्तों किट में लाइन देने से पहले ये ईएसटी कैप को किट से दूर में रखना है क्योंकि अगर किट ओके रहेगा तो ईएसटी कैप से ग्राउंड के साथ स्पार्किंग होगा और इसका जो ट्रांजिस्टर या एसटीआर जो भी है पावर सप्लाई में वो ख़राब कर देगा। तो चलिए सबसे पहले ये ईएसटी कैप को जो है किनारे में रख लेते हैं। तो दोस्तों किट में मैं लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में इसका वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर को 250 वोल्ट एसी रेंज में सेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे पावर सप्लाई में जो फिल्टर कंडेंसर है इस पर डीसी वोल्ट चेक करना है 300 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और अब जो है ये पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन में 110 वोल्ट चेक करना है। तो मीटर को 250 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है। तो यहाँ पे 160 वोल्ट चेक करना है और यहाँ पे 160 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो बाकी का भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं जैसे 24 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो देख सकते हैं कि ये सब वोल्ट भी नहीं मिल रहा है, ना 24 वोल्ट मिल रहा है, ना 12 वोल्ट मिल रहा है, 110 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक बार इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो खोल के चेक करना है क्योंकि कभी कभी आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने की वजह से जो है पावर सप्लाई का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों किट को अभी मैं लाइन से निकाल दिया हूं और निकालने के बाद में ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं इस पर एक वीडियो अलग से बता दूंगा। फिलहाल शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि मीटर का एक प्रोड को बीच वाले लेग पे रखना है और एक प्रोड को किनारे वाले पे। तो एक साइड से बताएगा और एक साइड से कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। और यदि ट्रांजिस्टर का दोनों किनारे किनारे मीटर का प्रोड को रखेंगे तो दोनों साइड से शॉर्ट बताएगा।
तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई के सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी डायोड है सभी को चेक करना है। तो इसका डायोड को चेक करने के लिए मैं डिजिटल मीटर का यूज करने वाला हूं, क्योंकि डिजिटल मीटर का बीप से जो है आपको पता चल जाएगा कि डायोड शॉर्ट है या नहीं। तो ये सब डायोड देख रहे हैं, एक साइड से बता रहा है और दूसरा साइड से नहीं बता रहा है। ये भी डायोड एक साइड से बता रहा है, दूसरा साइड से नहीं बता रहा है। तो ये सब डायोड शॉर्ट नहीं है, तो हमें शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। तो जो डायोड में दोनों साइड से फुल बीप देगा वो डायोड को हमें खोल के चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये दोनों साइड से फुल कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप आप सुन पा रहे होंगे। और एक और डायोड है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस डायोड पे बीप नहीं बता रहा है। चलिए इसको हम खोल के चेक कर लेंगे। इसका माइनस प्लस ध्यान रखेंगे कि किधर है। इसका प्लस देखिए इधर है, डायोड का जो है प्लस जो है इधर है। और ऐसे यहाँ बोर्ड पर भी सिंबल बना हुआ है। ये देखिए, इसमें जो सफ़ेद वाला दिख रहा है दागी, वो प्लस होता है और इधर वाला माइनस होता है। तो अभी हमारे पास जो है FR 154 नहीं है, अभी मेरे पास BY 299 है। तो दोनों एक दूसरे के जगह लग जाएगा, क्योंकि जो FR 154 जो होता है वो रेक्टिफायर करता है 1.5 एम्पियर 400 वोल्ट, और ये जो है BY 299 जो ये डायोड रेक्टिफायर करता है 2 एम्पियर 400 वोल्ट। तो फिलहाल मैं इसी डायोड से भी काम चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये डायोड को लगाने के बाद में अब जो है मैं इसमें लाइन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब जो मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये डायोड पर हमारा 110 वोल्ट मिल रहा है। तो अब हमें 24 वोल्ट चेक करना है। तो देख सकते हैं 24 वोल्ट भी मिल रहा है यहाँ पे, 10 वोल्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। तो अब हमारा पावर सप्लाई का वोल्टेज ओके हो चुका है। तो अब एक बार जो है हम आउटपुट का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट का वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का माइनस पिन को माइनस पे रखना है और प्लस पिन को ये बीच वाले प्रिंट पे रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सप्लाई मिल रहा है 110 वोल्ट। तो दोस्तों, ये हमारा सप्लाई ओके हो गया। अब जो इसमें ट्रांजिस्टर लगा करके किट को ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए किट को लाइन से निकाल दिया हूँ, और अब ट्रांजिस्टर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो है किट को मैं पिक्चर ट्यूब में सेट करके चेक करने वाला हूं कि टीवी हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूं, और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं टीवी हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।